Good morning students of class 3rd. So today we are going to start with our worksheet of chapter 9, that is it's raining. First, we have choose the correct answer. Now, first, where do trees get most water from? A from rain, B elephants water trees. Trees ko mostly water milta hai? So the answer is from rain. Barish. Se. Next, how many colours does a rainbow has? A5, B7. रेनबो में कितने कलर्स होते हैं द आंसर इज सेवन रेनबो में सेवन कलर्स होते हैं नेक्स्ट वी शुड कैरी डैश वेन एवर वी गो आउट ऑन अ रेनी डे ए अम्ब्रेला बी कैप जब भी हम कभी बाहर जाते हैं और जब रेनी डे होता है तो हमें क्या कैरी करना चाहिए द आंसर इज अम्ब्रेला नेक्स्ट विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है ए क्लाउड्स पोर एंड थंडर बी स्नोमैन कैन बी मेड फ्रॉम क्लाउड्स सो क्या है इसमें कि स्नोमैन कैन बी मेड फ्रॉम क्लाउड्स स्नोमैन जो है वो आप क्लाउड से नहीं बना सकते नेक्स्ट वी हैव राइट द नेम्स ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो आपको जो रेनबो के कलर्स के नेम होते हैं वो लिखने हैं सो फर्स्ट भी है वॉयलेट इंटिगो ब्लू ग्रीन येल्लो ऑरेंज एंड रेड सो दीज आर द नेम्स ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो नेक्स्ट भी है फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट इन रेनी सीजन वी यूज डैश एंड रेनकोट रेनी सीजन में हम क्या क्या यूज़ करते हैं रेनकोट और अम्ब्रेला नेक्स्ट क्लाउड सेल इन द स्काई नेक्स्ट रेनबो हैज सेवन कलर्स रेनबो में सेवन कलर्स होते हैं फोर्थ बनाना ट्री वॉज ड्रूपिंग बनाना ट्री क्या हो रहा था ड्रूपिंग इन द स्टोरी अपू द एलिफेंट वॉटर द बनाना ट्री जो स्टोरी थी अपू द एलिफेंट उसमें बनाना ट्री को अपू ने क्या किया था वॉटर्ड नेक्स्ट वी हैव सर्कल द ऑड वन जो ऑड वन है उसमें आपको सर्कल करना है ना फर्स्ट वी है रेनकोट स्वेटर अम्ब्रेला फिल फ्लॉप्स अब इसमें ऑड वन क्या है स्वेटर बिकॉज रेनकोट अम्ब्रेला एंड फ्लिप फ्लॉप्स जो है वो आप बारिश में कैरी uh, करते हैं वाइल्ड स्वेटर जो है वो ठंड में यूज़ होता है नेक्स्ट थंडर हेल रेन एंड हीट वेव थंडर हेल रेन जो है ये आपका एक तरह से बेसिकली कनेक्ट हो गया बारिश पानी से और हीट वेव जो है वो आपकी गर्म जो वेव्स होती हैं उससे हो गया सो हीट वेव्स इसमें डिफरेंट है नेक्स्ट वॉयलेट इंडिगो ब्लैक एंड ब्लू सो सो रेनबो के जो कलर्स होते हैं वो वॉयलेट भी होता है इंडिगो भी और ब्लू भी ब्लैक रेनबो में नहीं आता है नेक्स्ट विंटर समर रेनी मानसून सो दानसून नेक्स्ट वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन वन हाउ डिड अपू नो दैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर अपू को कैसे पता था कि बनाना ट्रीज को पानी की ज़रूरत है सो द आंसर हैज द बनाना ट्रीज वर ड्रूपिंग एंड वंस वाटर

तो uh, जो आपके घर के आसपास जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको पानी कैसे मिलता है सो द आंसर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम रेन वी ऑल्सो वाटर दें। जैसे आपके घर में भी प्लांट्स होते हैं तो कई प्लांट्स जो होते हैं उन्हें uh, कैसे मिल जाता है पानी बारिश से और कुछ को हम ही पानी देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अप ड्रैंक वाटर फ्रॉम द रिवर टिल ही वॉज हैप्पी हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर वे लाइक like आंसर uh, जैसे अपू जो था यस आई हैव सीन कैट्स डॉग्स एंड काउज ड्रिंकिंग वाटर अराउंड माई हाउस लाइक अपू जो था वो पानी पीता था रिवर से जब तक वो खुश रहता था और क्या आपने भी ऐसा है कि कभी देखा है एनिमल्स को और कहाँ पे लाइक like, जैसे कि मैंने कैट्स को देखा है डॉग्स और काउस को पानी पीते हुए मेरे हाउस के ही सो यू कैन ऑल्सो राइट हु यू हैव सीन नेक्स्ट क्वेश्चन सम एनिमल्स आर नॉट गिवन वाटर बाई एनी वन फ्राम वेयर डू द ड्रिंक वाटर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें पानी नहीं दिया जाता है कोई उन्हें पानी नहीं देता है तो वो कहाँ से पानी पीते हैं सो द आंसर सच एनिमल्स ड्रिंक वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स लेक्स एंड रिवर्स तो वो एनिमल्स पानी जो है वो पॉन्ड से पीते हैं लेक से ले लेते हैं या फिर रिवर्स से नाउ कम टू नेक्स्ट क्लाउड्स सो फर्स्ट वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन वन द पोएट ऑ मेनी थिंग्स इन द क्लाउड्स हैव यू एवर सीन एनी थिंग इन द क्लाउड्स वॉट पोएट ने बहुत सारी चीज़ें देखी क्लाउड्स में आपने भी कभी कुछ ऐसा देखा है और क्या सो द आंसर इज येस आई हैव सीन ड्रैगन हॉर्स एंड बर्ड शेप्स इन द क्लाउड्स लाइक आप सब ने बहुत कई बार नोटिस किया होगा कि कई बार क्लाउड्स की शेप ड्रैगन की फॉर्म में लगती है कई बार हॉर्स और कई बार बर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट ऑल डू द क्लाउड्स टू क्लाउड्स करते क्या हैं सुधा आंसर क्लाउड्स आर फॉर्म थ्रू इवेपोरेटेड वाटर ऑन कंडेंसेशन क्लाउड्स रिलीज वाटर एंड ब्रिंग क्लाउड्स जो होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं इवेपोरेट वाटर से जब कंडेंस हो जाते हैं वो क्लाउड्स तो वो पानी रिलीज करते हैं और उससे बारिश आती है नेक्स्ट क्वेश्चन हैव यू एवर सीन अ रेनबो वेयर कैन यू सी अ रेनबो क्या आपने कभी रेनबो देखा और आप कब देखते हो रेनबो को सुधा आंसर येस वी हैव सीन अ रेनबो रेनबो तो सभी ने देखा है मोस्टली रेनबोज कैन बी सीन वन सन रेज फ्रॉम बिहाइंड फॉल ऑन रेन ड्रॉप्स रेनबो जो है वो कब देखा जा सकता है जब सन रेज जो होती हैं वो पीछे से फॉल करती हैं रेन ड्रॉप्स पर तब आप रेनबो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू यू फील वेन इट रेन्स आपको कैसा लगता है जब बारिश होती है सुधानसर वी फील एक्सट्रीमली हैप्पी वेन इट रेन्स तो सभी को ही बहुत खुशी होती है जब बारिश होती है नेक्स्ट क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स वॉट डू यू सी वेन इट रेन्स क्लाउड्स के अलावा आप और क्या देख सकते हैं जब बारिश होती है आंसर वेन इट रेन्स इट यूजली इज़ अकंपनीट विथ थंडर लाइटनिंग एंड स्ट्रॉन्ग विथ्स तो जब बारिश होती है तो उसके साथ साथ कई बार क्या होता है बिजली चमकती है बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है सो so, और आप बिजली की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आती है तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट हैपन्स वेन इट रेन्स क्या होता है जब बारिश आती है सो द आंसर वन इट रेन्स द वेदर बिकम्स वेरी कोल्ड द स्काई गेट्स डार्क अर्थ रिलीज इज सूदिंग फ्रेग्रेंस जब बारिश होती है तो वेदर जो है बहुत ठंडा हो जाता है स्काई बिल्कुल डार्क हो जाता है और अर्थ में से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है नेक्स्ट क्वेश्चन वेन इट रेन्स मेकिंग पेपर बोट्स एंड फ्लोटिंग देम ऑन वाटर इज रियली फन इजेंट इट जब बारिश होती है तो आपने बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि पेपर बोट्स बनाते हैं उन्हें फ़्लोट करते हैं पानी में तो ये बहुत ज़्यादा फन होता है तो सो द आंसर इज़ यस, इट इज़ सो मच फन और ये सब बच्चों को इसमें बहुत मज़ा आता है पेपर बोट्स बनाने में उनको फ्लोट करने में जब बारिश होती है सो चिल्ड्रन गो कम्प्लीट दिस ऑल इन योर नोटबुक एंड थैंक यू चिल्ड्रन